दोस्तों आज है 15 फरवरी। आज का दैनिक न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करूंगा एक काफी इंपोर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ में। पुलिस ने 2 लाख किलोग्राम का गांजा जलाया, लगभग 250 करोड़ रुपए की इसकी कीमत। आखिर ऐसा क्यों पुलिस ने किया और क्या इसके पीछे कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन है, ये आज की डेट में यहाँ पर इसके बारे में क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या पहला भी इसके साथ में हिस्ट्री का कोई रिलेशन है, तो कई सारी बातें यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन गया खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से, वो क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक ऑपरेशन के थ्रू पूरा काम यहाँ पर किया गया और वो ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन परिवर्तन। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये ऑपरेशन परिवर्तन आज का नहीं है, ये पुराना ऑपरेशन है। लगभग 2021 में अक्टूबर के महीने में भी इसके बारे में जिक्र किया गया था, ये न्यूज छपी थी यहाँ पर हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में। तो यहां पर भी बात की गई थी कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो बॉर्डर वाला एरिया है उसके लिए ऑपरेशन परिवर्तन चलाया जा रहा है, ताकि जो गांजे की जो खेती है उसको बेसिकली रोका जा सके, एक तरीके से उसको कर्म किया जा सके, जितना लार्ज स्केल पर स्मगलिंग चल रही है गांजे की उसको रोका जा सके, क्योंकि एक तरीके से यहां पर सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला पदार्थ है। और अभी ये जो न्यूज निकल कर आई यहां पर ये कवर की गई थी हिंदू के द्वारा, तो यहां पर ऑपरेशन परिवर्तन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकता है, जिसके बारे में यहां पर आप लोग याद रख सकते हैं। इसके तहत यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां पर आंध्र प्रदेश और ओनली यहां पर जो बेसिकली उड़ीसा की ही एजेंसी काम कर रही है, यहां पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस जो विंग्स है वेरियस डिपार्टमेंट की, वो सारी मिलकर यहां पर काम कर रही है। अगर कोई भी ऐसी हरकतें होती है तो उसमें कोऑर्डिनेट करना है और इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी को होने से रोकना है। इसी के चलते यहां पर ये जो पूरा ऑपरेशन यहां पर देखने को मिला, जिसमें ये लगभग 2 लाख किलो गांजा यहां पर जलाया गया। तो इसके चलते देखिए अगर हम लोग इन चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं जो यंग जनरेशन आज के डेट में जो इस चीज को लत बना चुकी है उसको कहीं ना कहीं हम लोग सेव कर पाएंगे। तो उससे रिलेटेड यहां पर ये कंप्लीट न्यूज है। आई होप कि आप लोग समझोगे यहां पर ये पर्टिकुलर जो ऑपरेशन है इसके बारे में याद रखोगे। और कोई भी अगर किसी भी तरीके से नशे की आदत में अगर पड़ता है तो यार कोशिश करो उसकी स्टार्टिंग में ही वो आदत छुड़वाने की कोशिश करो, आगे जो होती है काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट करने लगती है। तो ये एक तरीके से अवेयरनेस के टॉपिक के तरीके से भी आप लोग इसको ले सकते हो, ठीक है। पर लेकिन ऑपरेशन का नाम जरूर याद रखना, ऑपरेशन परिवर्तन, आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। काफी शानदार आज का ये डिस्कशन रहेगा, पूरा स्टार्टिंग में एडिटोरियल कवर करेंगे और फिर न्यूज एनालिसिस हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि कंप्लीट न्यूज़पेपर में कवर करूंगा, जिसके साथ में आप लोगों को प्रीलिम्स मेंस के पॉइंट ऑफ से भी बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। या फिर स्टेट पीसेस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की, तो क्वेश्चन का बिल्कुल प्रॉपर वे में एनालिसिस कर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जिससे कि सारी चीजें डिटेल में आप लोग समझ सके। और एडिटोरियल जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि आप लोगों को समझना होता है, और उसी के लिए न्यूज़पेपर पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठाकर देखोगे तो बोलेगा कि एडिटोरियल पर पूरा फोकस आप लोगों को देना है। तो बहुत अच्छे से सारी चीजें एक एक पॉइंट कवर करूंगा, 2 आंसर राइटिंग के क्वेश्चन दूंगा जो कि कई सारे बच्चे लिख भी रहे हैं और आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है। इसी के साथ में जो आप लोगों को प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जिसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और उसके आंसर भी आप लोगों को बताऊंगा, तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। वोकैबुलरी भी देखने को मिलेगी एनडीए सीडीएस में या फिर दूसरे एग्जाम्स में आप लोगों से पूछी जाती है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप लोगों के बन जाते हैं, तो उसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो यानी कि पूरा डिस्कशन एंड तक देखिएगा, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। पहले एक बार ओवरव्यू लेते हैं ताकि चीजों के साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर सको। एक ओवरव्यू पहले मैं आप लोगों को देता हूं, इसके बाद में फिर आप लोगों से सारी बातें डिस्कस करूंगा एक एक कर, तभी आप लोग अच्छे चीजों के साथ में कनेक्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं यहां पर कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक कर पॉइंट यहां पर देख लेते हैं। यहां पर जो ये साइड वाला आर्टिकल है ये वाला, और इसी के साथ में यहां पर ये वाला आर्टिकल, इनको दोनों को कंबाइन कर एक ओवरव्यू में आप लोगों को दूंगा। सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है और आज की डेट में फेडरलिज्म को लेकर हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस भी किया था कल, तो थोड़ा सा उसका भी ओवरव्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है, इसको आप लोग कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। हिजाब के ऊपर फिर से यहां पर कुछ बातें की जा रही हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल पॉइंट यहां पर बताऊंगा। वैसे तो एक्स्ट्रा वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है इसके ऊपर, पर एडिशनल पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल आज की डेट का आप लोग बोल सकते हैं ये वाला, काफी डिटेल में इस आर्टिकल को डिस्कस करूंगा, बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को जानने को मिलेंगे जियो स्पेशल सेक्टर के बारे में। आखिर किस किस को पता है जियो स्पेशल सेक्टर के बारे में, जरा बताइए, पता है आप में से किसी को जियो स्पेशल क्या होता है, पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। और ये आंसर राइटिंग के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए, इंटरव्यू भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और इंटरेस्टिंग चीज पता है किसके बारे में, आप लोग रेगुलरली इसको यूज करते हैं, अगर आप लोगों को बताऊंगा तो तब आप लोगों को समझ में आएगा, काफी डिटेल में ये डिस्कस करूंगा। आईपीएल की ऑक्शनिंग के बारे में यहां पर बात की जा रही है, कुछ ऐसे बातें हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, बताऊंगा इसके बारे में, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ध्यान में रखते हुए, ठीक है।
अभी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा एक कमेंट किया गया था, तो उसी के ऊपर यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि तेलंगाना को कैसे डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो वो उस टाइम पर कि पार्लियामेंट के अंदर प्रॉपर काम नहीं चला, वो सब चीजें, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को कैसे निकाला गया, वो सारी बातें चल रही है। तो याद रखिएगा 2014 में हमारे देश में एक नया राज्य बनाया गया था, तो उसी के ऊपर यहाँ पर ये बातें की जा रही हैं। इसको आप लोग कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें चल रही है कोविड 19 के चलते। ठीक है, तो वो सब चीजें आप लोगों ने अपनी डोज ली कि नहीं, बस उस पर ध्यान दीजिए आप लोग, वो जरूरी है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों के सामने और भी कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि मैं बात करूंगा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, अगर आप लोग उसको समझेंगे तो आप लोग काफी कुछ जानने को मिलेंगे। ये है यहाँ पर आर्टिकल जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में, तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यार, डिटेल में डिस्कस करूंगा, ये एक्स्ट्रा आर्टिकल होगा आज का आप लोगों के लिए, जिसको अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, इसके बाद में फिर यहाँ पर एनालिसिस के अंदर आगे बढ़ेंगे, तो आज इन्फ्लेशन के बारे में कई सारी बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है इसरो के एक लॉन्च के बारे में, जो कि कल लॉन्च किया गया, काफी अच्छा है, इसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ बातें हैं सेक्युलरिज्म के बारे में, कुछ बातें करूंगा, चाइनीज 54 ऐप और यहाँ पर बैन कर दिए गए हमारे देश के अंदर में, इंसानियत कितना गिर सकती है यहाँ पर, ये इस न्यूज से पता चला, आज की डेट में 87 ईयर ओल्ड जो वुमेन है उनका रेप किया गया, ये रियलिटी में यार एक तरीके से बोल सकते हैं कि मतलब मानव एक इंसान का इंसान होने पर से विश्वास उठता हुआ यहाँ पर नजर आता है जब सोसाइटी में ऐसी हरकतें यहाँ पर देखने को मिलती है। दिल्ली के अंदर यहाँ पर 684 वाटर बॉडीज हैं, उनको एक तरीके से ब्रीफ लिया जा रहा है, देखिए जहां जहां पर वाटर बॉडीज हैं कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। फिर से यहाँ पर इसरो की जो लॉन्च है उसके बारे में है, तो कंबाइन कर उसको वहीं पर ही देख लेंगे। यहाँ पर बात करूंगा हमारी कंट्री में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में, कुछ दो चार बातें आप लोगों से, चाइना के द्वारा रिप्लाई किया गया है, एस जयशंकर साहब के द्वारा जो कमेंट किया गया था उसके ऊपर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में कुछ बातें करेंगे जो कि आप लोगों को समझनी चाहिए। इसी के साथ में रशिया क्राइसिस को लेकर जो यूक्रेन मुद्दा चल रहा है उसके बारे में समझेंगे, और इसी के साथ में यहाँ पर कनाडा और यूएसए के बीच में अभी रिसेंटली बॉर्डर बंद कर दिया गया था, काफी बड़ा इशू बना था, समझेंगे, और कुछ बातें ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में करूंगा। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये फिर से सेंसेक्स पर इंपैक्ट पड़ रहा है रशिया और यूक्रेन के मुद्दे का, हल्का सा पता होना चाहिए चल क्या रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में फिर से यहाँ पर एक आर्टिकल है, और वीडियो के एंड में आप लोगों को यहाँ पर सुडोकू देखने को मिलेगा, जो बेसिकली लेक्चर के एंड में, जो कि पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आप लोगों से डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाते हैं यहाँ पर, और इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर इनको आंसर राइटिंग या फिर एसे राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। मैं डेली आप लोगों को यहाँ पर मेंस के लिए क्वेश्चन देता हूँ, तो एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर ये मेंस के लिए नहीं है, इवन इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे कि एक पूरा पैराग्राफ आप लोगों को दे देंगे और यहाँ पर उसके पीछे नीचे चार ऑप्शन दे देंगे, महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बोला गया है, या बान की मून साहब के द्वारा बोला गया है, या किसी और पर्सनैलिटी के द्वारा बोला गया है, यानी कि ये जो कोटेशन है जिनको बोल रहे हैं मेंस की कोटेशन है, ऐसा नहीं है, ये मेंस की कोटेशन ही नहीं है ओनली, इनमें प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चन बन जाता है, कई बार आप लोग स्टेटमेंट देकर पूछ लेते हैं कि किसके द्वारा ये बात बोली गई है। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ कि ध्यान से सुना करो सारी बातें, सारी चीजें प्रॉपर वे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये मुझे खुद एक बच्चे ने मेल किया, एक पर्टिकुलर पेपर की कटिंग थी स्टेट पीसीएस की किसी की, और मैंने कुछ दिनों पहले कोई कोटेशन डिस्कस की थी, तो कह रहा सर मेंस की नहीं है, इसमें तो क्वेश्चन बना हुआ है मेरे एग्जाम में। तो यार देखो, कोई भी चीज अगर पढ़ा रहा हूं ना कहीं उसका कोरिलेशन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ढंग से चीजों को सुना करो। ओके, तो बात करते हैं एथिक्स के अंदर भी आप लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे बात की जा रही है यू मस्ट नॉट लूज फेथ इन ह्यूमैनिटी, यानी कि एक तरीके से इंसानियत या फिर मानवता में आप लोग को अपना फेथ, जो आप लोग का विश्वास है, वो लूज नहीं करना चाहिए। ह्यूमैनिटी इज एन ओशियन, ये एक समुद्र यानी कि सागर की तरीके से, इफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द ओशन आर डर्टी, यानी कि अगर कुछ बूंदे उस ओशन की गंदी है, डर्टी है, यानी कि एक तरीके से कुछ बूंदे अगर गंदी हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि द ओशन डज नॉट बिकम डर्टी, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ओशन जो है वो गंदा हो गया है। ठीक है, तो ये बात बोली कि मानवता पर विश्वास हमेशा इंसान का बना रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग होते हैं आसपास में जो बड़ी ही नेगेटिविटी फैलाते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, पर लेकिन आप लोगों को हमेशा एक चीज पर ट्रस्ट करना है कि मानवता जो है वो हमेशा कोई ना कोई दिखाने के लिए आप लोगों को इंसान जरूर मिलेगा, यानी कि हमेशा सिस्टम चलाने के लिए कुछ ना कुछ अच्छे इंसान मिलेंगे, चारों तरफ करप्शन है, अच्छा ये चीजें गंदी हो रही है, वो चीजें गंदी हो रही है, पर लेकिन आप लोग ध्यान से अगर देखोगे फिर भी सिस्टम चल रहा है, इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ इंसान ऐसे हैं जो कि आज की डेट में भी उन सब चीजों से बहुत परे हैं और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, इसी की वजह से वो सिस्टम चल रहा है। तो ये बातें महात्मा गांधी जी के द्वारा बोली गई थी, और इनके द्वारा तो इवन यहां तक बोल दिया गया था कि अंग्रेज गलत नहीं है, उनका माइंडसेट थोड़ा गलत है, क्योंकि वो ऐसे माहौल में रह रहे हैं, अगर उनको सुधरने का मौका दिया जाए तो वो भी सुधर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये इंपॉर्टेंट एक कोटेशन आप लोग देखते हैं, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के बारे में यहाँ पर बात की जा रहा है फोकलैंड आइलैंड के बारे में, डिस्कस किया था मैंने पूरा टॉपिक शाम को 8:30 बजे जो वीडियो आती है,
तो पूरा डिटेल में कि क्या यहाँ पर अभी चाइना का इशू बना था, यहाँ पर किसके साथ में, अभी यहाँ पर बेसिकली उसके यूके के साथ में, और इसी के साथ में अर्जेंटीना को कैसे चाइना के द्वारा घसीटा गया इसमें, तो पूरा एक पूरा टॉपिक मैंने कवर किया था। देखिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके ऊपर द हिंदू के अंदर एडिटोरियल आएगा, पर लेकिन द हिंदू के अंदर एडिटोरियल नहीं आया, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि दोनों वीडियो आप लोग प्रॉपर वे में फॉलो करके चलो। कई सारे टॉपिक ऐसे रहते हैं जैसे पीआईबी के हो गए, इंडियन एक्सप्रेस के हो गए, किसी मैगजीन के हो गए, तो शाम को 8:30 बजे जो वीडियो आती है उसमें मैं कवर कर लेता हूं, ठीक है। बाकी जो जो यहां पर पूरा न्यूज़पेपर तो आप लोगों को कवर हो ही जाता है, और वहां पर थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी आप लोगों का कवर अच्छा हो जाता है, और यहां पर भी, तो दोनों वीडियो कंबाइन कर करोगे तो बहुत सारा स्टैटिक और करंट कंबाइन आप लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, बाकी आप लोग कैसे लेकर चल रहे हैं, ये मेरे तरफ से एक सजेशन है, क्योंकि कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने देखा यहाँ पर कि कई बार रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि हो सकता है थोड़ा टाइम बाद आ जाए, क्योंकि उसको कई बार हिंदू इंपोर्टेंस नहीं देता है, तो शाम को 8:30 बजे हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। बाकी आप लोग देखो क्या करना है, जो मेरा काम है चीजों को कवर करना, कि कुछ छोटे ना जो इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो बात करें यहां पर फोकलैंड आइलैंड के बारे में, तो बोलत बात की जा रही है नॉर्थ पैसिफिक ओशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, साउथ पैसिफिक ओशन में, या फिर साउथ अटलांटिक ओशन में। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी सही आंसर आप लोगों को बताना है। और कई सारे बच्चों के द्वारा यार कमेंट किया गया कि सर उसी दिन एंडमर वीडियो के आंसर बता दिया करो, अगले दिन तक वेट करना काफी वो पड़ जाता है। तो चलो कोई नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं यार, मेरा तो ये था थोड़ा सा आप लोग ट्राई कर लो, चलो वीडियो के स्टार्टिंग में ट्राई कर लिया करना, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को आंसर बता दिया करूंगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, आप लोग अच्छे से एंजॉय करो, ओके। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है मैच करने की, यहां पर कि चंद्रयान 2 के रेफरेंस में आप लोगों को मैच करना है। ये जो लॉन्च किया गया था पीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। दूसरा बोला गया रोवर का जो नाम था वो प्रज्ञान था, ठीक है, और यहां पर लैंडर का जो नाम था वो विक्रम था, ठीक है। तो ये बोला गया यहां पर, तो ये जो बेसिकली इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ये कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। ए में बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 2 एंड 3, सी बोला गया 1 एंड 3, और डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है यहां पर ये बताना है, ये एन है एम नहीं है, ठीक है, तो प्रज्ञान था, ठीक है। आगे चलते हैं यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है बेसिकली ईस्ट एशिया समिट के बारे में। बोला गया 2005 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है कि ओनली एशिया के मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर। इसको एस्टेब्लिश किया गया था स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए, कोऑपरेशन के लिए, ताकि पॉलिटिकल सिक्योरिटी या फिर इकोनॉमिक जो चैलेंज फेस किए जा रहे हैं उनको टैकल किया जा सके। तो सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 2 एंड 3, सी बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है, ए बी सी एफ डी। इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में डिस्कस किया था मैंने टॉपिक, देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है। इससे ये भी पता चलता रहता है कि आप लोग कितना सीरियस होकर चीजों को सुन रहे हो, क्योंकि सीरियसनेस इससे पता चलती है, तो इससे कई सारी चीजें और पता चलती रहती है। तो आप लोग अगर ढंग से पार्टिसिपेट करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, इसलिए बोलता हूं पार्टिसिपेट किया करो, क्वेश्चन पूछता हूं तो उनके आंसर दिया करो, क्योंकि जिस भी क्वेश्चन को पूछ रहा हूं उनके आंसर भी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तो आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग भी अच्छे से पार्टिसिपेट करो, ठीक है। चलते हैं अपने अगले पड़ाव की, एक छोटा सा एडिटोरियल है, पहले इसको यहां पर कवर कर लेता हूं, जो कि प्रीलिम्स में भी आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे अगर बात करें यहां पर गेम्स के बारे में, तो हमारी कंट्री में जो सबसे ताकतवर बॉडी है वो है बीसीसीआई, ठीक है, जिसको बोलते हैं यहां पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये दुनिया में अगर बात करें यहां पर क्रिकेट के फील्ड में, या फिर इस तरीके से आप लोग बोले गेम के फील्ड में, सबसे अमीर बॉडी मानी जाती है। और यहां से आप लोग एक अंदाजा भी लगा सकते हैं, हमारे देश में फ्लाइट बंद होगी, बिजनेस बंद हो गए, सारी चीजें टोटली बंद कर दी गई, कोई भी एक ऐसी चीज नहीं थी जो कि चल रही हो, पर लेकिन उसके बाद भी आईपीएल जो है वो हमारे देश में बंद नहीं हुआ, क्योंकि आईपीएल जो है उसके साथ में दुनिया भर का पैसा कनेक्ट रहता है। जब हम लोग आईपीएल के बारे में बात करते हैं कि आईपीएल को हम लोग कैसे लेकर चलते हैं, रिसेंटली अभी इसका ऑक्शन किया गया, तो उसकी वजह से यहां पर और न्यूज में आ गया। इवन रणजी ट्रॉफी जो थी उसको भी यहां पर क्या कर दिया गया था, उसको भी यहां पर कैंसिल कर दिया गया था, अभी कोविड-19 के देखते उसको ब्रेक दे दिया गया था, पर लेकिन आईपीएल जो है वो कंटिन्यू यहां पर रहा। तो यहां पर अभी रणजी ट्रॉफी जो है वो भी यहां पर क्रिकेट के फील्ड में एक आप लोगों को इवेंट देखने को मिलता है। कई बार स्टेट प्रीसीज के अंदर मैच करने के लिए आ जाता है, कि ये पर्टिकुलर बात कर दी, संतोष ट्रॉफी के बारे में पूछ लेंगे, रणजी ट्रॉफी के बारे में पूछ लेंगे। चलिए रणजी ट्रॉफी तो मैंने बता दिया क्रिकेट से रिलेटेड होती है, संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड होती है ये आप लोग बताइए, ठीक है। अगर बात करें रणजी ट्रॉफी के बारे में, तो अभी यहां पर आप लोग देखते हैं इसको फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। तो आईपीएल जो है उसमें अभी सबसे इंपोर्टेंट मुद्दा ये चल रहा है कि लोगों के लिए, खासकर जो मेन है या फिर आप लोग बोल सकते हैं पुरुष है, उनके लिए तो आप लोगों को आईपीएल देखने को मिलते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, पर लेकिन आज की डेट में हम लोग बेसिकली जो महिला है उनके लिए आईपीएल नहीं चला रहे हैं, ठीक है। तो इसके चलते अभी बात हो रही है कि यहां पर महिलाओं के लिए क्यों नहीं, तो यहां पर महिलाओं के लिए भी, यहां पर बेसिकली लड़कियों के लिए भी यहां पर आईपीएल की स्टार्ट की बात की जा रही है। तो ये काफी अच्छा यहां पर ये स्टार्ट रहेगा, पर लेकिन अभी इसको अभी उन्हें ठंडे बस्ते में डाल रखा है, अभी इसको आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। एक और बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर बना रहा कि पाकिस्तान के प्लेयर के बारे में, पाकिस्तान के प्लेयर इंडिया और जो पाकिस्तान के बीच में जो इश्यू चल रहे हैं उसकी वजह से जो डिप्लोमेटिक प्रेशर यहां पर बनता है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान के प्लेयर यहां पर नहीं खेल पा रहे हैं। तो ये भी काफी बड़ा मुद्दा आईपीएल में आप लोगों को देखने को मिल रहा है।
प्रेजेंट टाइम में अगर आप लोग बात करें आईपीएल कैसा है तो आप लोग उससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना पैसा है इसमें, क्योंकि खुद यहां पर अगर बात करें अमित शाह जी के जो बेटे हैं उनका नाम है जैसा, ये यहां पर इसके सेक्रेटरी हैं, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं होम मिनिस्टर के बेटे जो है वो इसके सेक्रेटरी हैं। इसका मतलब आईपीएल में कुछ तो बेसिकली बीसीसीआई में कुछ तो दम होगा ना, तो यहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली यहां पर हेडक्वार्टर मुंबई में है, बनाया गया था इसको 1928 में। और राहुल द्रविड़ है यहां पर जो वुमेन के कोच हैं, और सॉरी मैन के कोच हैं, वुमेन के कोच हैं यहां पर रमेश पवार, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यहां पर कोच के फील्ड पे जो आज के में काम कर रहे हैं। हमारी कंट्री में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के बारे में बात करते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के अंडर में आप लोगों को देखने को मिल जाती है। कई बार इक्का दुक्का क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी अब की बार जो नई दो टीम हुई है वो जरूर याद रखिएगा, टोटल मिलाकर आईपीएल के अंदर 10 टीम हो गई है। नई दो टीम हुई है यहां पर, एक है गुजरात टाइटंस, ठीक है, और दूसरी है यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक है। यानी कि एक गुजरात से और एक उत्तर प्रदेश से, दो नई टीम अब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। फर्स्ट एडिशन 2008 में स्टार्ट किया गया था, अभी यहां पर लेटेस्ट 2021 में, और नेक्स्ट होगा 2022 में इसका एडिशन। चेन्नई सुपर किंग टॉप पर चल रही है, लास्ट टाइम यहां पर जीतने वाले टॉप प्लेयर था, पर लेकिन सबसे ज्यादा जीतने वाली है मुंबई इंडियंस, और विराट कोहली यहां पर बेसिकली रन में, और लसित मलिंगा यहां पर आज के में जो विकेट में सबसे टॉप पर चल रहे हैं। और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को सारी प्रोवाइड करा दी यहां पर, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। 14th एडिशन था यहां पर 2021 का, अब की बार 15वां संस्करण आप लोगों को आईपीएल का देखने को मिलेगा। और बाकी यहां पर ये कुछ बातें हैं कि जो अभी यहां पर जो आईपीएल था 15वां जो संस्करण, जो 14वां जो संस्करण था उसमें किसकी क्या क्या परफॉर्मेंस रही, ठीक है। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो देख लेना, पर लेकिन ये बातें जरूर याद रखेंगे ना कि नई टीम ऐड की जा रही है यहां पर। और इसी के साथ में यहां पर कुछ अगर बात करें वुमेन से रिलेटेड, अगर बात करें आईपीएल के बारे में, कोई पूछा आप लोगों से कि वुमेन के लिए आईपीएल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, तो आप लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे, यस या फिर नो, आप लोग अपनी बातें बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। कई अगर बात करें यहां पर स्टेट पीसीएस के अंदर, नहीं तो अगर बात करें आप लोगों से बेसिकली किसी दूसरे एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो उसके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, अब यहां पर आगे चलेंगे, कई सारी इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। ये जो ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग हमेशा यूज करते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। बोलते हैं इसको जियोस्पेशल। जियोस्पेशल मतलब एक तरीके से स्थानिक, यानी कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में पता लगाना। तो जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आज की डेट में अगर आप लोग जैसे कि फूड डिलीवरी के बारे में बात करें, ओला या फिर उबर के बारे में बात करें, या फिर अपनी लोकेशन के बारे में आप लोग बात करें, अगर किसी को आइडेंटिफाई करना है ये पर्टिकुलर लोकेशन कहां पर है, तो आप लोग जो सिस्टम यूज करते हैं वो आज के डेट में जियोस्पेशल सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है। ये तो मैंने आप लोगों को एक छोटी सी बात बताई, पर आज की डेट में अगर बात करें जो यहां पर पावर प्लांट कहां कहां पर है, कहां पर हमारी कंट्री में यहां पर आज के डेट में पावर एनर्जी सेक्टर है, कोयल रिजर्व हमारे देश में कहां कहां पर है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस कहां कहां पर है, कहां पर कितनी खेती बाड़ी आज के डेट में हो रही है, आज के डेट में कौन सी नदी कहां कहां किस किस डायरेक्शन में बह रही है, ये सारी अगर लोकेशन, अगर इन चीजों के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो ये सेक्टर जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो अभी ये न्यूज में क्यों आ गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, और रिसेंटली क्वेश्चन भी आप लोगों से इससे बन सकते हैं आसानी से। सबसे पहले तो कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर है जिसके द्वारा इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा यहां पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। मिनिस्टर कौन है ये आप लोग बताइए, छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में, कोई बड़ी चीज नहीं है, रेगुलर डे बाय डे न्यूज में रहते हैं, तो बताइए इसके बारे में। अगर बात करें जियोस्पेशल सेक्टर के बारे में, ये जो एक तरीके से इसको लिबरलाइज करने की बात की जा रही है, लिबरलाइज मतलब बोले तो आप लोग बोल सकते हैं इसको कि इसको डीरेगुलेट करने की बात की जा रही है। डीरेगुलेट का मतलब क्या होता है, डीरेगुलेट का मतलब होता है कि एक तरीके से गवर्नमेंट जो है वो यहां पर इसको कंट्रोल नहीं करेगी, इसका जो कंट्रोल है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट करने की बात की जा रही है। यानी कि जियोस्पेशल के फील्ड में यहां पर इंसान जो है वो बेसिकली यहां पर हमारी कंट्री में जो प्राइवेट सेक्टर है वो अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, क्योंकि जियोस्पेशल जब डेटा होगा देश के अंदर जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा आज की डेट में हमारी कंट्री में सर्विस को हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे। मतलब क्या है, कल को अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, कहां कहां पर बच्चे जो है मैलन्यूट्रिशन का शिकार है, इसी के साथ में कोई पर्टिकुलर अगर कोई कहीं पर घूम रहा है तो इंसान कहां घूम रहा है, कहां पर कोई इंफेक्शियस डिजीज है, इन सबका डेटा इकट्ठा अगर बोले उसके बारे में, तो उसके बारे में जो पृथ्वी के सरफेस पर उनके बारे में चीजों का पता लगाना, ये होता है बेसिकली जियोस्पेशल डेटा। तो यानी कि इस डेटा को अकेले गवर्नमेंट तो काम कर नहीं सकते, क्योंकि इतनी सारी चीजों को गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी तो इसी काम में रह जाएगी। तो इसलिए हमारे देश में आज की डेट में भी जियोस्पेशल डेटा जो है वो उसकी काफी कभी कभी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कल को चलकर अगर हम लोग इसको प्राइवेटाइज कर देते हैं तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद यहां पर देखने को मिलेगा, ये बातें यहां पर बोली गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी यहां पर रिसेंटली न्यूज में भी देखने को मिली, उसमें ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो सेक्टर है काफी ह्यूज स्केल पर बढ़ने वाला है।
अगर इसमें प्राइवेट वाले आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं डेटा को इकट्ठा करने के लिए, बोला जा रहा है कि 1,00,000 करोड़ के करीब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, इसमें ग्रोथ देखने को मिलने वाली है और हर साल यहां पर लगभग 13% के करीब यहां पर इसके अंदर इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। अब तक ये जो पूरा सेक्टर हमारी कंट्री में, जैसे कि टोटल बात करें तो सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, इसरो हो गया, इसी के साथ में यहां पर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर हो गए, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर हो गए, यानी कि मोटे मोटे तौर पर हमारी गवर्नमेंट जो है वो यहां पर बेसिकली इसको देखती है। तो इसकी वजह से दिक्कत ही आ रही है, एक प्रॉपर डेटा नहीं हमारे पास में, जितना है थोड़ा बहुत जो गवर्नमेंट यूज करती है उतना डेटा हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते लोगों के अंदर ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है और स्किल्ड प्लेयर भी नहीं है इसमें, क्योंकि प्राइवेट वाले आएंगे तभी तो यहां पर और ज्यादा अच्छे से इन्वेस्टमेंट होगा, तभी तो इसमें और ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, तो डेटा शेयरिंग भी आप लोगों को ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो हमारे देश में इन सब चीजों की कमी को ध्यान में रखते हुए इसको डीरेगुलेट करने की बात की गई है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इससे लोकेशन कहां पर है, एट्रीब्यूट आप लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर फिनोमिनन के बारे में, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, या फिर टेम्पोरल या टाइम के हिसाब से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आज की डेट में फूड डिलीवरी हो गया, ई कॉमर्स सर्विस अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से चीजें खरीदना या फिर वेदर की इंफॉर्मेशन लेना, ये सारी इसी सिस्टम के थ्रू की जाती है, जिसको आप लोग जियो स्पेशल सेक्टर बोलते हैं। अगर इस सेक्टर में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है करंट अगर सिचुएशन आप लोग इसकी समझे तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। रिस्ट्रिक्शन है डेटा के ऊपर काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम जो गवर्नमेंट है वो काम करती है यहां पर, तो रिस्ट्रिक्शन जो है यहां पर तो उसको हटाएंगे तो चीजें काफी अच्छी देखने को मिलेगी, डेटा को स्टोर करना, यूज करना, सेल करना, ये सारी चीजें इसके बारे में। तो ये करंट जो पर्टिकुलर सिस्टम है उसके थ्रू चलता है, यहां पर चीजों को रिन्यू करना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो उसके चलते भी यहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये काम करना पड़ता है। अभी डोमिनेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा, मैंने बताया ना सर्वे ऑफ इंडिया जो है मैक्सिमम वो सारे काम यहां पर करती है, या फिर अगर कोई प्राइवेट कंपनी कुछ करना चाहती है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट से। इसी के साथ में डिफेंस से रिलेटेड कुछ बातें हैं या फिर होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड, तो डेटा को इकट्ठा करना है तो प्रॉपर उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, तब चलकर वो कोई डेटा को यूज कर पाएंगे। पर यही सारी चीजें जो है, ये जो हर्डल है उनको हटाया गया है कहीं पर, जो नई पॉलिसी यहां पर लेकर आई जा रही है। इस नई पॉलिसी में सबसे पहले यही काम किया जा रहा है कि ओपन एक्सेस दी जा रही है यहां पर, ओनली कुछ एरिया को छोड़कर, जैसे कि डिफेंस हो गया तो डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड डेटा को छोड़कर यहां पर आराम से काम किया जा सकता है इस फील्ड में। तो इंडियन जो कंपनी है उनको सपोर्ट किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियन कंपनीज में आकर पार्टिसिपेट करें, बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा अगर हमारी खुद की कंपनी यहां पर आकर काम करती है। रिस्ट्रिक्शन को अगर रिमूव कर दिया जाता है तो काफी सारे अप्रूवल जो है देने पड़ते हैं, वो सारे नहीं करने पड़ेंगे और डिजिटल फॉर्म में सारी चीजें विद इन इंडिया टेरिटरी हमारी कंट्री की कंपनी काम करती नजर आएगी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी सिक्योरिटी क्लियरेंस लाइसेंस रिस्ट्रिक्शन के। इसके चलते लोग जो है और ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत वहां पर रहती है जब लोग जो है रिस्ट्रिक्शन में पड़ जाते हैं, उनको लगता है यार करना है क्या इसमें जाकर, इतनी सारी तो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, तो वो वाली रिस्ट्रिक्शन जो है काफी नेगेटिव रोल प्ले करती है। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें रीजन है यहां पर डीरेगुलेट करने का, क्यों आज की डेट में, क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाते हैं अगर कोई स्टार्ट करता है जियो स्पेशल परमिशन के चलते। हमारी कंट्री में बात पता ही आप लोगों को, ठीक ठीक है ये परमिशन चाहिए तो ठीक है इतने पैसे भिजवा देना, ठीक है मेरा हिस्सा कहां इसमें, तो हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी फिर यहां पर, और जितना जरूरी है उतना ही काम चलेगा। लैक ऑफ डेटा, यानी कि डेटा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है और गवर्नमेंट के अकेले के बस की बात नहीं है, अगर करने बैठेगी तो बोला जा रहा है लगभग दशक लग जाएगा, इनके 10 साल के से भी ज्यादा लग जाएंगे, एक डिकेड लग जाएगा अगर गवर्नमेंट अकेली काम करेगी। तो प्राइवेट प्लेयर का होना काफी ज्यादा जरूरी है और जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, एक टाइम पर ऐसा था काफी हद तक हम लोग डिपेंडेंट थे यहां पर किसके ऊपर, आज के में अगर बात करें जीपीएस, इसको आप लोग बोलते हैं ना ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये यूएसए का है। ठीक है, इसी के पैटर्न में हम लोगों ने अपना बना लिया आईआरएनएसएस। बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में पता होगा, जीपीएस की तो पता है आप लोगों को, अपने देश के वाले के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, बताइए इसके बारे में। तो कारगिल वॉर के टाइम पर हमको जो बेसिकली कुछ चीजें शेयर करने से मना कर दिया गया था यूएसए के द्वारा, जिसके चलते हमारी कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया कि हमारी खुद की कंट्री अपने आप इसको बनाए और कल कम से कम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, डिफेंस के पॉइंट ऑफ से हम लोग को यूज कर सके। आगे चलने वाले सोशल सेक्टर में कहीं पर नेचुरल क्लाइमेटी आ रही है, बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है, सूखा बढ़ रहा है, उसके बारे में हम लोग खुद आइडेंटिफाई कर सके। और ग्लोबल लेवल पर ये डेटा काफी अच्छा अवेलेबल है, पर हमारे देश में ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो हमारे देश में भी इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और हम भी इसमें काम करते हुए नजर आएंगे। तो कहने का मतलब ये कि इस एरिया को पुश करने की कोशिश की जा रही है सही डायरेक्शन में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि समझ सकते हैं। इसी के साथ में इंपैक्ट क्या होगा डीरेगुलेशन का, क्योंकि जहां पर कंपटीशन होता है ना वहां पर आप लोगों को कंटेंट, वहां पर आप लोगों को प्रोडक्ट, वहां पर आप लोगों को सर्विस सारी अच्छी मिलती है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो फिर सारी चीजें अच्छी नहीं मिलेगी, इंसान जो है अपनी मनमानी चलाएगा। जैसे जियो है आज के डेट में, एयरटेल है आज के डेट में, कॉम्पिटिशन चल रहा है तो प्राइस कई बार आप लोगों को काफी लोअर देखने को मिल जाते हैं,
हालांकि जब दोनों का गठबंधन हो जाता है तो फिर सरकार बनती है हाई प्राइस की, वो एक अलग बात है। तो कंपटीशन क्या करते हैं यहाँ पर, एक अच्छा प्रोडक्ट निकाल कर लेकर आता है, नए लोगों को जॉब यहाँ पर मिलेगी, देखने को मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि डेटा इकट्ठा किया जाएगा, तो काफी लार्ज स्केल पर प्राइवेट कंपनी भी इसमें अपना काम करना स्टार्ट करेगी। और जो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा तो इससे पार्टनरशिप बढ़ेगी और काफी लार्ज स्केल पर एक एक्यूरेट डेटा निकाल पाएंगे और नया नया इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा तो इकोनॉमी भी बूस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट देकर अगर पूछ ले कि यार ये क्या है, ठीक है। तो कंप्लीट आर्टिकल मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में काफी ज्यादा चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, ठीक है। थाना डिफरेंट, इसके बारे में आइडिया रखिएगा, कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, जितनी क्लैरिटी रहेगी उतना ज्यादा बेटर रहेगा, ओके। तो इसको समझिएगा, इसी के साथ में चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। और अगर आप लोग को लगता है, देखिए फीडबैक आप लोग दे सकते हैं, अगर आप लोग को लगता है वीडियो जो है वो अच्छा है तो आप लोग थम्स अप दे सकते हैं, वरना आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ लेक्चर जो है ये कमी है, जहां पर आप लोगों को लगे तो उसको फिर क्लियर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अपना फीडबैक जरूर दिया करो, ओके। और इसी के साथ में अपने प्लान को प्रॉपर फॉलो करके चला करो यार, अभी एग्जाम भी पास में आ रहा है, जो क्वेश्चन देता हूं उनको आंसर दिया करो जरूर, कम से कम अपनी प्रैक्टिस अच्छे लेवल पर लेकर चलो तो चीजें सही तरीके से कर पाओगे, वरना इसी साइकिल में घूमते रहोगे और सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यू आईएएस कैडर रूल के बारे में, तो काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, यूपीएससी जीएस पेपर 2 के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसके चलते यहाँ पर ये तो एक पॉइंट है बेसिकली, ठीक है। अब पूरा मुद्दा क्या है यहाँ पर, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बात की जा रही है, तो ये चार पॉइंट अभी फिलहाल जो है ये काफी ज्यादा न्यूज में है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। सेंट्रल स्टेट के रिलेशन किन रीजन की वजह से यहाँ पर काफी लो लेवल पर चल रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर बोला गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में दोनों की रस्साकसी रहती है, अभी कोविड 19 के टाइम पर हम लोगों ने काफी अच्छे से देखी है सारी चीजें। दूसरे नंबर पर जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बिहेवियर है सेंट्रल एजेंसीज का, इनके जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, जैसे सीबीआई हो गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, ये सारी क्या करती है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से मिसयूज इनका किया जाता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है, ये बातें यहां पर निकल कर आती है। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर, ये बात की जा रही है पावर के बारे में, आईएएस आईपीएस आईएफएस का जो कैडर अभी रूल के बारे में हम लोगों ने बात की, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो पूरा आर्टिकल यहां पर आप लोग देखते हैं, ये इसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, ये लगभग 20-22 मिनट की वीडियो है जिसमें कैडर रूल के बारे में बात की जा रही है, आगे और भी टॉपिक है, वैसे तो वीडियो तो 38 मिनट की है, लेकिन स्टार्टिंग में कैडर रूल है इसमें, बाकी कुछ और भी चीजें हैं। ये उस दिन है जिस दिन मैंने इसको पढ़ाया था आप लोगों को, और इसमें आवाज नहीं आई थी, तो फिर मैंने कट कर इसको अलग से बेसिकली फिर से इसको बेसिकली वो नहीं फिर से डिकोड किया था इसको, तो फिर इसमें आवाज आ गई थी। तो ये आप लोग देखेगा पूरी कैडर पॉलिसी काफी डिटेल में पढ़ा रखी है, अगर इसमें इसको ऐड करूंगा तो वीडियो जो है वो यहाँ पर एक घंटे से और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो अलग से टॉपिक इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोग रिविजन भी करते रहे, अगर वीडियो के अंदर एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, और फालतू में लेक्चर की लेंथ भी बढ़ती है, तो इसके लिए अलग से टॉपिक आप लोगों का बन जाता है, जब भी आप लोगों का मन करे रिवाइज करने का आप लोग उसको रिवाइज भी कर सको, और आराम से आप लोग बेसिकली क्या क्या अपडेट हो रही है वो मैं फिर यहाँ पर बता भी देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा लेक्चर जो होता है वो और ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाता है यहाँ पर, ठीक है, ताकि जो ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो नहीं छुट पाती है, वरना वही चीजें इस तरीके से रिपीट होती रहेंगी तो फिर दिक्कतें होती हैं, ठीक है। इसलिए अलग से वीडियो बनाई थी, इसको देख लेना आप लोग, पूरी कैडर पॉलिसी इसका लिंक वीडियो के नीचे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहां पर ये एक पॉइंट ऐड किया गया इसमें कैडर पॉलिसी के बारे में, बोला गया कि अभी रिसेंटली आईएएस आईपीएस और आईएफएस जो है यहां पर ये उनके बारे में अगर बात करते हैं, तो यहां पर आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था कि वो अपने हिसाब से यहां पर इनको बुलाया करेंगे, अब यहां पर ये मनमानी चलाएंगे, तो उसके चलते भी इशू देखने को मिला था। और एक था यहां पर सेवरल जो गवर्नर्स हैं आज के में, वेस्ट बंगाल की बात कर लीजिए, तमिलनाडु की बात कर लीजिए, केरला के बारे में बात कर लीजिए, ठीक है, या फिर पंजाब के बारे में बात कर लीजिए, जहां जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और है और स्टेट गवर्नमेंट कोई और है, वहां वहां पर ये इशू देखने को मिल रहा है। तो बोला ये जा रहा है कि सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशन है वो काफी लो लेवल पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और ये चार फैक्टर काफी बड़े हैं यहां पर, तो ये चार फैक्टर आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, इवन प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन भी पूछ लेंगे कि क्या क्या मुद्दा यहां पर अभी देखने को मिल रहा है फेडरलिज्म में, जो कि यहां पर एक मुद्दा निकल कर आता है, ठीक है। आगे बात करें यहां पर, ये बोला जा रहा है कि नॉर्मली जो सेंटर होता है, ठीक है, तो वो ये माना जाता है कि एक तरीके से न्यूट्रल रहे, न्यूट्रल आर्बिट्रेरी, यानी कि एक तरीके से जहां दिक्कत है उसको सुलझाने का काम करे, ये उसकी मोरल ड्यूटी होती है और उसकी एक मोरल अथॉरिटी होती है, यानी कि नैतिकता के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए, पर लेकिन वो जो मोरलिटी है ना वो काफी लो हो गई है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा इंडल्ज हो गया, ये बात बोली जा रही है। तो उसके चलते हालांकि ऐसा नहीं कि पहली बार कोई गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, ऐसा नॉर्मली कई सारी सरकारों के द्वारा किया जाता है, पर राइटर ये बोले हैं अब की बार कुछ थोड़ा ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इतना नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर यहाँ पर वो दूसरे चीफ मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि हमको वोट, बेसिकली दूसरे राज्य को बोल रहे हैं कि हमको वोट दो वरना तुम्हारा राज्य हमारा राज्य जो है, ये बोल रहे हैं सीएम योगी साहब कि वो है कि वेस्ट बंगाल केरला और कश्मीर जैसा हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये इशू जो है कहीं ना कहीं ये कहीं ज्यादा लेवल पर हमारी कंट्री में, जो हमारा एक कंट्री बोला जाता है, आप लोग हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारा कंट्री है उसको यूनियन ऑफ इंडिया बोला गया संविधान में, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो एक यूनियन ऑफ स्टेट, सॉरी यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया, तो कहीं ना कहीं इस यूनियन के अंदर अगर स्टेट ढंग से मिलकर नहीं रहेंगे तो बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है वरना दिक्कतें निकलकर सामने आएगी, ये बातें यहां पर बोली जा रही है, ठीक है। तो माइंड में आप लोगों को क्लैरिटी रखनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये है यहाँ पर हिजाब कंट्रोवर्सी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फिलहाल आज के डेट में ये डिस्कशन बन गया है, खासकर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ से भी, रिलीजन के पॉइंट ऑफ से भी, फंडामेंटल राइट के पॉइंट ऑफ से भी। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ, वैसे तो सारी बातें मैंने डिस्कस कर रखी है, अलग से वीडियो भी इसके ऊपर बना रखी है जो मैंने शेयर भी की थी आप लोगों के साथ में, पर कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर अभी आज की डेट में क्या हुआ, कर्नाटका के अंदर में यहाँ पर लड़कियों को जो हिजाब पहने हुए हैं, जैसे अपनी सर और मुंह को ढके हुए, उनको स्कूल में एंट्री करने से मना कर दिया। तो बोला यह गया कि लड़कियों की जो एजुकेशन है, उनका जो अधिकार है उससे ज्यादा यहाँ पर बेसिकली ये बोला गया कि उनको एजुकेशन लेने से रोक दिया गया, तो क्या उनका ये अधिकार का हनन नहीं हुआ है? एक तरीके से हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, क्या ये उनके रिलीजन का हनन नहीं हो रहा है? तो उसी के ऊपर पूरी कंट्रोवर्सी यहां पर क्रिएट हो गई। तो जैसे यहां पर हिजाब की बात की गई, तो जैसे यहां पर उसी तरीके से बोला गया कि जो लोग गमछा पहनकर आना चाहते हैं वो गमछा पहनकर आएंगे, मतलब नहीं, एक तरीके से सब में एक होड़ सी लग गई और ये पूरे देश में आग की तरह फैल गया। तो ये पूरा बड़ा इशू बन गया यहां पर। हालांकि अगर बात करें कई सारी कंट्री ऐसे, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, चाइना हो गया, कनाडा हो गया, इवन तुर्की के अंदर, इवन आज के में ईरान के अंदर भी इसको लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट रहता है कि हिजाब जो है लड़कियां पहनने से मना कर दिए। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि ये लड़कियों को एक तरीके से कहीं ना कहीं पैट्रियारिकल सोसाइटी, पुरुष प्रधान देश में, उसको पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, उन्हें अपने बदन को ढककर रखो, अपने मुंह को ढककर रखो कंप्लीटली। तो इसके चलते यहां पर कहीं ना कहीं ये महिलाओं के लिए एक तरीके से सही नहीं मानती है, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड और एक तरीके से प्रोग्रेसिव सोसाइटी, कि ये महिलाओं को पर्दे में रखने वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर मुद्दा यहां पर चल रहा है। तो ये जो पूरा मुद्दा है इसको यहां पर बेसिकली कनेक्ट कर देखा जा रहा है, किसके चलते यहां पर एक पर्टिकुलर आर्टिकल हमारे संविधान के अंदर में जब आप लोग जाएंगे तो पार्ट थर्ड में, तो ये आर्टिकल है 25। आर्टिकल 25 जो आप लोगों को अधिकार देता है अपने रिलीजन को आप लोग फॉलो कर सकते हो, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर सिरूर जो मुद्दा केस है यहां पर, इसमें 1954 में बोला गया कि रिलीजन के साथ में अगर आप लोग किसी चीज को कनेक्ट करते हैं तो देखना पड़ेगा जो भी रिचुअल्स आप लोग फॉलो कर रहे हो तो क्या वो आप लोग के रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है, अगर हाँ तो सही, अगर ना तो फिर गलत बात है, ठीक है। इसेंशियल प्रैक्टिस होना चाहिए रिलीजन की, तभी आप लोग इसको देखने को मिलेगा। हालांकि इसको लेकर कई बार कंट्रोवर्सी भी रहती है कि इसेंशियल प्रैक्टिस आप लोग कैसे देख रहे हैं। जैसे अगर बात करें, तांडव को पब्लिकली करने से मना कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा कि तांडव जो है वो पब्लिक में परफॉर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें देखने को मिली थी यहां पर। इसी के साथ में अगर बात करें कुछ ऐसी चीजें जैसे कि आज के में आप लोग बात सकते हैं कि सिख कम्युनिटी को बेसिकली पगड़ी वगैरह पहनने के लिए अलाउ किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसेंशियल पार्ट यहां पर बोला गया उनकी रिलीजन का, जो बेसिकली अगर बोल सकते हैं तांडव को यहां पर पब्लिकली परफॉर्म करने से मना कर दिया, इसेंशियल पार्ट नहीं है। इसी के चलते एक मुस्लिम कम्युनिटी का एक पर्सन था 2016 में एयरफोर्स में, वो एयरमैन था, तो उसको वहां पर दाढ़ी रखने से मना कर दिया। बोला गया कि यहां पर ये आर्म फोर्स रेगुलेशन 1964 का जो एक्ट है उसके हिसाब से अगर बात करें, जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से बात करें तो ये रिसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है बेसिकली रिलीजन की। तो ये बातें देखने को मिलेगी, यानी कि अभी मुद्दा यहां पर ये चल रहा है जैसे कि सिख कम्युनिटी के अंदर 5 के आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये 5 के इसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस का सिखिज्म के अंदर पार्ट है ये बेसिकली पर्टिकुलर, तो इसको अलाउ किया जाएगा, इसको रोका नहीं जाएगा। पर लेकिन अगर रिलीजन के अंदर कहीं लिखा ही नहीं है, अपने हिसाब से चीजें टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही है और उनको अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया गया तो फिर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अभी यहां पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने हालांकि इसके ऊपर इंटरिम बैन लगा दिया है, उन्हीं कहते हैं इंटरमीडिएटरी बैन लगा दिया गया, तो उसके चलते आने वाले टाइम में देखेंगे क्या मुद्दा बनता है। इसके ऊपर ऑलरेडी यहां पर केरला का केस था, यहां पर अगर बात करें अमन बिन जो बसीर वर्सेज सीबीएसई का केस था, और एक यहां पर केरला का ही केस था जिसको फातिमा तस्नीम वर्सेज स्टेट ऑफ केरला का 2018 का केस। पहले वाले में यहां पर अगर बात करें तो सीबीएसई बेसिकली यहां पर जो केस निकल गया तो यहां पर भी बोला गया कैसे लेकर चलना है हिजाब के मामले में, तो बोला गया कि देखिए सिंसियर प्रैक्टिस है तो यहां पर प्रोटेक्ट किया जा सकता है और ये अगर इस्लाम के अंदर आता है आर्टिकल 25 के अंदर तो ये बेहतरी एक तरीके से इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। पर फिर भी यहां पर सीबीएसई खुद डिसाइड करे कैसे चीजों को लेकर चलना है। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये आती है जब सेकंड केस में बोला गया कि एक साइड में तो एक इंडिविजुअल पर्सन का फंडामेंटल राइट है और एक साइड में इंस्टीट्यूशन है, बेसिकली इंस्टीट्यूशन का फंडामेंटल राइट है, क्योंकि जब ड्रेस कोड रख दिया है पूरे स्कूल के लिए, पूरे कॉलेज के लिए, तो ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए। तो उसके चलते यहां पर बात निकल कर आ रही है। तो दूसरा ये मुद्दा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जिसके ऊपर कई बार कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। तो अभी घुमा फिराकर मुद्दा ये आ गया है कि आज की डेट में यहां पर अभी कर्नाटक हाईकोर्ट जब इसको देख लेगा तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा यहां पर पूरे मुद्दे को कि क्या रियलिटी में हिजाब पहना ये एक तरीके से रिलीजन का पार्ट है, अगर हां तो इसको अलाउ किया जाएगा और अगर ना तो इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये बातें देखने को मिलेगी। और कई बार इंटरेस्टिंग कई सारे ऐसे आप लोगों ने कॉन्ट्रोवर्सी देखी, यहां पर ट्विटर पर भी ट्रेंड हो रही थी, मतलब
जो खासकर मुस्लिम कंट्री में वुमेन जो है वो लड़ रही है यहाँ पर कि हिजाब हम लोग को नहीं पहनना है, उनको जबरदस्ती वहां पर थोपा जाता है, खासकर जब पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है कि हाँ एक तरीके से पुरुष प्रधान सोसाइटी में, ठीक है, आप पर्दा प्रथा को देख लो आप लोग यहाँ पर आज के में हर एक सोसाइटी के अंदर में, तो वो एक तरीके से जहां पर ये अलाउ किया जा रहा है वहां पर वो लड़कियां लड़ रही है उसके लिए, प्रोटेस्ट कर रही है, इवन जेल में जाने के लिए तैयार है। और हमारे देश में यहाँ पर इसको इस तरीके से देखा जा रहा है, तो अलग अलग देश में अलग अलग रीजन रहते हैं, आप लोग उसको समझ सकते हैं। तो हमारा देश जो है काफी डाइवर्स कंट्री है, तो कैसे लेकर चलना है ये पूरा मुद्दा एक अलग पैटर्न का हो जाता है, ठीक है, तो इसको समझ सकते हैं आप लोग। तो पूरा इसके ऊपर एक आर्टिकल है, बाकी उसको देख लेना आप लोग जाकर, बहुत सारी बातें उसमें मैंने डिस्कस की है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी रखकर चलनी है हर एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये थी आर्टिकल 25 जो है वो जरूर याद रखिएगा, ओके, काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है यार, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। और इसी के साथ में कहां कहां पर इससे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप, या फिर आप लोगों से आंसर राइटिंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कई सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में भी मैं आप लोगों को यहां पर ये कवर करने वाला हूं। काफी अच्छे समथिंग आर्टिकल को बात की जा रही है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के बारे में। ऑक्यूपेशनल मतलब जब कहीं पर कोई इंसान काम करने जाता है, ठीक है, तो वहां पर मान लीजिए उसको दिक्कतें देखने को मिल गई, बहुत सारे लोगों की कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, उंगलियां कट जाती हैं। मान लीजिए कोई ना फैक्ट्री पटाखे की फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, कोई यहाँ पर लोहे की फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई कोयले की खदानों में काम कर रहा है, तो इस टाइम पर काफी सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती है, पर लेकिन इसका डेटा कोई निकालकर प्रस्तुत नहीं करता, जिसके चलते पता ही नहीं चलता किस इंसान के हाथ पैर कट गए, किस इंसान का कंधा टूट गया। तो इसकी वजह से यहां पर क्या रहता है कि उनको प्रॉपर उनके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं रहता है, इसी की वजह से यहां पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो बड़ा ही रेयर सा और एक डिफरेंट सा आर्टिकल है जिसको आप लोगों को समझना चाहिए, अच्छे से इसके बारे में बात करता हूं ताकि एक एक पॉइंट आप लोग की समझ में आ जाए। अभी ये न्यूज में क्या है, पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर में, बात करेंगे क्रूसेड रिपोर्ट 2021। ये अभी यहां पर रिलीज की गई सेफ इन इंडिया, जिसके द्वारा यहां पर रिलीज की गई, इसका नाम है सेफ इन इंडिया। तो सेफ इन इंडिया के द्वारा यहां पर क्रूसेड 2021 यहां पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, इसमें यह बताया गया काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है, काफी डिसमल परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक पिक्चर देखने को मिलेगी जब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के बारे में बात करते हैं ऑटो सेक्टर के अंदर में, यानी गाड़ी बनाने वाला सेक्टर हो गया, इसके अंदर में बहुत सारे लोगों की कई बार यहां पर दिक्कतें झेलनी पड़ जाती है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ जो है यहां पर, उसके चलते यहां पर हमको काफी ज्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी, पर लेकिन हमारे जो कानून बनाने वाले लोग हैं, यानी कि हमारे सांसद जो विधायक हैं, वो यहां पर इसके ऊपर नजर ही नहीं डाल रहे हैं, और इसकी वजह से काफी सारे लोगों को यहां पर दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है, और इसकी वजह से कई सारे लोग जो है वो आज के डेट में विकलांग हो जाते हैं, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और उनको प्रॉपर एक मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए प्रॉपर एक रूल और रेगुलेशन ही नहीं बना पा रहे हैं। प्रॉपर अगर रूल और रेगुलेशन भी है तो उसके लिए डेटा नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। डेटा क्यों नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं वो आप लोग जानते हैं, अभी मैं ही बताऊंगा तो और आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे क्यों नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। अभी बात करें यहां पर आज के डेट में जो ह्यूमन और जो लेबर राइट है, तो दोनों के लिए काफी इंपोर्टेंट है। यहां पर ह्यूमन राइट हो गया, एक तो आप लोगों को पता है कि मानवता का अधिकार का हनन हो रहा है, अगर इंसान की यहां पर दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, उसकी जो बॉडी का कोई पार्ट इस तरीके से बर्बाद हो जा रहा है, और इसी के साथ में ये लेबर राइट के भी खिलाफ है, यानी कि उनको एक प्रॉपर ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा है जहां पर वो प्रॉपर वे में काम कर सके। तो अगर संविधान के अंदर आप लोग जाओगे तो आर्टिकल 23 जो है वो यहां पर इसी के बारे में बात करते हैं कि प्रॉपर काम का एक माहौल मिलना चाहिए इंसान को, ठीक है। तो आर्टिकल 23 संविधान के अंदर, और इवन आप लोगों ने 24 के बारे में भी आप लोगों को बता होगा, बताइए आर्टिकल 24 किसके बारे में। तो 23 यहां पर इन सब चीजों के बारे में बात करता है कि इंसान को कम से कम एक ऐसा अधिकार मिलना चाहिए। और इसी के साथ में जब आप लोग यहां पर बात करते हैं, जैसे कि आप लोग आज के में अगर बात करें किसके बारे में, यहां पर अगर आप लोग जाएंगे बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में, तो यहां पर भी इन सब चीजों के बारे में बात की जाती है कि एक तरीके से डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर आप लोगों से पूछ लें यहां पर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8वां किससे रिलेटेड है, या फिर आप लोगों से पूछ लें यहां पर कि यहां पर ये बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है यहां पर, ये तो कि यहां पर उसके बारे में कहां पर बात की जा रही है, तो ये डिसेंट वर्क और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो 8वें नंबर का गोल आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कई सारी चीजें आप लोग कोरिलेट कर सकते हैं इस तरीके से, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों के नहीं होना चाहिए। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स वगैरह में आप लोगों से बन जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये ह्यूमन राइट का भी हनन हो गया और लेबर राइट का भी हनन हो गया। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर हमारी कंट्री में जो लेबर ब्यूरो है वो इस डेटा को इकट्ठा करती है, पर लेकिन लेबर ब्यूरो तो तब इकट्ठा करेगी ना जब स्टेट उसको डेटा देंगे, भाई साहब स्टेट डेटा ही नहीं देते हैं, वो छिपा लेते हैं, क्योंकि पता चला आप लोग खुद ही इकट्ठा नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरे को तो तब देंगे ना, आप लोग पढ़ रहे हो और एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो मार्क्स अच्छे आएंगे, अगर पढ़ रही है तो एग्जाम देने जाओगे तो मार्क्स कहां से अच्छा जाएंगे। तो कहने का मतलब है जब पढ़ोगे तभी तो मार्क्स अच्छे आएंगे ना, तो ये बात है। तो यहां पर जो SSI की जो रिपोर्ट है यहां पर उसके चलते अगर देखो तो यहां पर जो इंडस्ट्रियल जो इंजरी है वो काफी लार्ज स्केल पर रिपोर्ट की गई हरियाणा के अंदर में रिसेंटली, अभी और भी कई सारे राज्य के अंदर यहां पर देखने को मिली। तो दो प्राइमरी रिक्वायरमेंट यहां पर देखने को मिल रही है जिसकी वजह से कई सारी बातें आप लोग बोल सकते हैं। एक क्या क्या है यहां पर, एक तो इंश्योर करना है यहां पर सेफ्टी वर्क प्लेस पर,
ताकि यहाँ पर मॉनिटर किया जा सके, इंस्पेक्शन किया जा सके प्रॉपर में, और कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर क्या दिक्कतें हुई है, अगर किसकी वजह से दिक्कतें हुई है, क्या उसके लिए कोई एक्शन लिया गया है, क्या उसके लिए कोई पॉलिसी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्राइमरी रिक्वायरमेंट है अगर चाहते हो कि कल को कोई ऐसी हरकतें नहीं देखने को मिले। पर लेकिन इन दोनों की दोनों रिक्वायरमेंट को कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है, तो इसलिए जरूरी है कि इनके ऊपर फोकस किया जाए। होता क्या है, नॉर्मली अगर बात करें आज के में, तो जो स्टैटिकल प्रोफाइल है यहाँ पर, जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जो भी होते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से उनको कोई प्रॉपर वे में उनका कोई इंस्पेक्शन नहीं करता है। इसके बारे में क्यों नहीं करते इंस्पेक्शन, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग इसको अभी यहां पर समझ पाओगे। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा इसका रीजन क्या है। रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा आज की डेट में जो यहां पर जो बेसिकली जो इंस्पेक्टर होते हैं लेबर इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है, यहां पर देखिए एक लेबर इंस्पेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर लगभग 25,000 से ज्यादा वर्कर्स पर। तो 25,000 वर्कर अगर मैं आप लोगों को बोलूं, तो आप लोग अगर बात करें आज के में किसी फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे हैं, किसी में 5 लोग काम कर रहे हैं, किसी में 20 लोग, किसी में 100 लोग, तो कितनी बड़ी कहां कहां पर फैक्ट्री है यहां पर, उन पे एक इंस्पेक्टर है ओनली देखने के लिए। तो कहां से वो देखेगा, अगर जाएगा भी देखने तो फिर उसको इधर उधर टला दिया जाएगा कि हाँ ठीक है चलो सब कुछ सही से सब कुछ सही चल रहा है, करप्शन इतना रहती है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर देखने को मिल रही है, जबकि हमारी कंट्री खुद यहां पर जो लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन अगर बात करें, जो ILO इनके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो कन्वेंशन है जो 1947 का, और इसी के साथ में बात करें लेबर जो स्टैटिक कन्वेंशन है यहां पर 1981 का, उसके पार्ट है हम लोग। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर इसका हनन भी कर रहे हैं तो ये कोई सही चीज थोड़ी ना है। अगर आज के दिन में मैं आप लोगों से बात करूं, हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दो निकल कर आ रही है पिछले टाइम से। अगर आज तक आप लोग चीजों को उठाकर देखोगे तो लास्ट 20 ईयर में हम लोगों ने चीजों को लिबरलाइज कर दिया है। लिबरलाइज मतलब कंपनी को इतना अधिकार दे दिया कि अपने आप मजे लेते रहो, मतलब उनको ज्यादा चीजों को ऐसे नहीं कि चेक करने की जरूरत है, डेटा इकट्ठा करने की जरूरत है, तो उनको खुद ही सेल्फ सर्टिफिकेशन दे दिया कि अपने आप सेल्फ सर्टिफिकेशन दे दो कि आप लोगों की इंडस्ट्री में कितने वर्कर को दिक्कत हुई, और क्या क्या कोई बताएगा कि उसकी इंडस्ट्री में इतने वर्कर की जान चली गई है। जान तो चली गई, चलो बताना पड़ता है कितनों के पैर टूट गए, किसका हाथ टूट गया, बताएगा वो बिल्कुल भी नहीं बताएगा। थोड़ा बहुत मुआवजा देकर यहाँ पर उसी को अपने आप साइड में कर देगा, क्योंकि पता चलेगा अगर डेटा कल को यहाँ पर पब्लिक के सामने है तो उसको दिक्कत देखने को मिलेगी कि यार इसकी फैक्ट्री में तो इतने सारे लोगों को दिक्कत होती है। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर अंडर रिपोर्टिंग की जाती है, सबसे पहले तो कंपनी खुद यहाँ नहीं बताती है, फिर कंपनी अगर बता भी जाए तो स्टेट फिर अपनी इमेज सही करने के लिए स्टेट यहाँ पर उस डेटा को यहाँ पर पब्लिक के सामने नहीं लेकर आता है। तो हर एक लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बिल्कुल ऐसे। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, तो यहाँ पर पहले तो जिस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर डेथ हुई उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम ने या फिर उसके जो लोकल जो एम्प्लॉय है वहां पर बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में उनके द्वारा डेटा को छिपाया गया, फिर स्टेट गवर्नमेंट ने डेटा को छिपा लिया, अगर कोई पत्रकार बताने की कोशिश भी कर रहा था तो पत्रकार को उठाकर जेल में डाल दिया। तो ऐसी घटनाएं आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो जैसा मैंने अभी बताया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग अगर इस तरीके से इसका पार्ट होते हुए इन कन्वेंशन को हम लोग ओनली रेक्टिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इनको रेक्टिफाई करने के बाद भी हम लोग आज स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इनका वॉयलेशन है कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हो। तो इन कन्वेंशन का वॉयलेशन कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो कानून है उनका वॉयलेशन हम लोग कर रहे हैं। हमारी कंट्री में गुजरात में 2006 में 14.98% के करीब टोटल फेटल आप लोगों को इंजरीज देखने को मिली, और नॉन फेटल इंजरी यहाँ पर 25.70 थी। फेटल नॉन फेटल का मतलब क्या होता है, ऐसे इंसान जिनको कोई इंजरी मतलब एक तरीके से नहीं जान चली गई, फेटल मतलब डेथ होगी उसकी वजह से। यहाँ पर 2006 में 14% के करीब लोगों की डेथ हुई, ठीक है, और 25% के करीब नॉन फेटल यानी हाथ पैर टूट गए। केरला के अंदर 2005 में यहाँ पर अगर बात करें 2.94 थी फेटल, और इसी के साथ में नॉन फेटल 6.73। तमिलनाडु के अंदर में यहां पर 2005 में 8 थी और यहां पर 11 थी यहां पर फेटल नॉन फेटल। महाराष्ट्र में 25 फेटल 2004 में और 36 नॉन फेटल, ठीक है, और 2014 में फिर यहां पर 12 होगी और ये 57 होगी नॉन फेटल। तो देखो कितनी ज्यादा हरकतें, कहीं आग लग रही है कहीं कुछ हो रहा है। उड़ीसा के अंदर 37 और 21 है, 37 उड़ीसा के अंदर देखो इनके फेटल इनके डेथ ज्यादा हो गए, इतनी तो नॉन फेटल भी नहीं है। तो ऑल ओवर अगर एवरेज आप लोग निकालोगे देश के अंदर तो 40 से 85 करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली किसका, ये फेटल का, और इसी के साथ में नॉन फेटल का यहाँ पर लेस देन 50% आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये जो डेटा है यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्यूरेट डेटा नहीं है, क्योंकि जो ले देकर स्टेट सामने रख रहे हैं डेटा वो भी एक प्रॉपर डेटा नहीं है। तो इसीलिए बोला गया कि प्रॉपर चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉपर यहाँ पर डेटा को इकट्ठा करना चाहिए और उसको प्रॉपर एनालाइज करना चाहिए, उसके ऊपर पॉलिसीज बनानी चाहिए कि क्योंकि जो भी लेबर है यहाँ पर वर्क फोर्स है उनके बेसिकली अधिकार के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन राइट का भी हनन है और आर्टिकल 21 का भी हनन है। राइट टू लाइफ के बारे में बात करें, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करें तो आर्टिकल 21 का भी यहाँ पर हनन हो जाता है। तो ये सारी कुछ ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन बन सकता है और वैसे भी आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग आंसर राइटिंग में भी इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे यहाँ पर जिसके बारे में जो आप लोगों को डिस्कस करना था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर सही समझ में आया तो थम्स अप देना और बताना, अगर कोई डाउट रह गया तो उसको आगे फिर क्लियर कर लेंगे। ओके।
बाकी न्यूज एनालिसिस में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बारे में डायरेक्ट डिस्कस करेंगे आप लोगों से, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी जो कि अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से आप लोगों को पता होना चाहिए कि दुनियादारी में चल क्या रहा है। ठीक है, तो कर्नाटक अभी यहां पर आप लोग को उत्तराखंड और गोवा और उत्तर प्रदेश के अंदर कल इलेक्शन देखने को मिले, तो यहां पर अभी देख सकते हैं एक ये है बेसिकली ये अनवेल वोटर है, यानी कि एक तरीके से बुजुर्ग महिला है, उनको वोट डालने के लिए ले जाया गया उत्तराखंड के अंदर में। तो वोट के अधिकार को अगर आप लोग उसकी गरिमा समझोगे तो आप लोग इसको समझ पाओगे, काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग का जो वोटिंग राइट है। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखिएगा 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इन्फ्लेशन जो है वो काफी लार्ज स्केल पर यहां पर पहुंच गया, उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, समझने की कोशिश करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। आज के डेट में अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इसके बारे में क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, नॉर्मली अगर इसको चेक करने की बात की जाती है तो दो तरीके से इसको चेक किया जाता है, एक को बोलते हैं WPI और एक को बोलते हैं CPI। ठीक है, नॉर्मली यहां पर आप लोग देखोगे तो एक तो होता है WPI इन्फ्लेशन और एक होता है CPI इन्फ्लेशन। WPI को बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो यहां पर जब कोई कंपनी है उसमें प्रोडक्ट बनाया और कंपनी से प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बेचने के लिए ला दिया। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहां पर जो इन्फ्लेशन काउंट होता है उसको बेसिकली होलसेल प्राइस बोलते हैं। पर लेकिन जब यहां पर ये अलग अलग दुकानों पर पहुंच गया और दुकानों से यहां पर कस्टमर को पहुंच गया तो इसको क्या बोलेंगे, इसको CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि कंज्यूमर के एंड पर काउंट करना। तो ये काफी इंपोर्टेंट है यहां पर। तो ये जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट जो आज के डेट में वो माना जाता है CPI, और इसको मैक्सिमम जो आज के डेट में हमारी कंट्री में जो एजेंसी है वो इसी को यूज करती है। पर लेकिन इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो यहां पर जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये गुड्स के ऊपर होता है, जबकि CPI ये गुड्स और सर्विस दोनों के लिए होता है। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो पब्लिश करते हैं, यहां पर CSO इसको बोल सकते हैं, हालांकि आज के डेट में NSO हो गया, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो ये याद रखिएगा क्योंकि पहले CSO हुआ करता था, पर लेकिन फिलहाल जो है CSO को और यहां पर बेसिकली हमारी कंट्री में जो NSSO को मर्ज कर एक नया ऑफिस बना दिया गया जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा क्योंकि नया ताजा अभी ये काम किया गया 2019 में। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि सांख्यिकीय और कार्यक्रम जो कार्यान्वयन जो मंत्रालय है उसके अंदर ये देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यक्रम कार्यालय जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। इसी के साथ में अगर बात करते हैं यहां पर ये बेसिकली जो मेजर किया जाता है, ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज पर मेजर किया जाता है और ये फाइनल स्टेज पर, यानी कि जब यहां पर होलसेल प्राइस इंडेक्स स्टार्टिंग में मेजर किया जाता है यहीं पर ही। ठीक है, पर लेकिन ये फाइनल स्टेज पर मेजर किया जाएगा जो मैंने अभी आप लोगों को यहां पर बताया। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें तो ये एक तरीके से जो प्राइस पे किया जाता है मैन्युफैक्चरर और होलसेल जो डीलर है उनके द्वारा पे किया जाता है, क्योंकि वही सामान खरीद कर लेकर आते हैं और फिर सामान आगे पहुंचता है कंज्यूमर पर, तो यहां पर ये कंज्यूमर पे करता है। ठीक है, देखिए इन्फ्लेशन महंगाई नापने के तरीके हैं दोनों अलग अलग, पर नाप महंगाई रहे हैं ये याद रखना। ठीक है, ये बहुत कम कंट्री ये आज के में यूज करती है और ये तो 150 से भी ज्यादा कंट्री आज के में यूज कर रही है। अलग अलग आइटम्स आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, यहां पर काफी लार्ज स्केल पर आइटम्स और सर्विस भी नजर आएंगे। ये जो कवर करता है लगभग यहां पर देखने को मिलेगा 697 के करीब आइटम्स, पर लेकिन यहां पर रूरल बास्केट में 448 और अर्बन बास्केट में यहां पर 460 के करीब, यानी कि इससे बहुत ज्यादा आइटम ये कवर करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर बात करूं तो WPI CPI के बारे में ये क्या होता है ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर बता रखी है, ये बेसिकली पूरी PPT में आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। इसमें सारी बेसिक क्या होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, किस तरीके से यहां पर तीन जगह इसको काउंट किया जाता है, अगर बात करें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके पर्टिकुलर फोर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अर्बन मैनुअल लेबर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, रूरल के लिए और इंडस्ट्रियल के लिए अलग अलग इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, बेस ईयर यहां पर 2012 लिया जाता है। तो ये बात की जा रही है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो इसके ऊपर सारा टोटल डिटेल में मैंने ये चीजें बता रखी हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो जाकर ये वाली वीडियो देख लेना, पूरा डिटेल में यहां पर इसके बारे में बातें कर रखी है। ठीक है, बेसिक चीजें, एक्स्ट्रा अगर थोड़ा सा और आप लोगों को जानना है यार समझ ही लेते हैं आज तो पूरा क्या फंडा है होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI WPI, पूरा डिटेल में एक वीडियो है यहां पर, ये पूरी इतने शानदार तरीके से पढ़ा रखा है कि आज के बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसको लेकर आप लोगों को। ठीक है, तो इसको भी लिंक जो है मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं, इसरो के बारे में बात की जा रही है। 2022 का यहां पर पहला सैटेलाइट इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, तो उसके चलते यहां पर ये न्यूज में आ गया है। तो ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि EOS-4 इसका नाम दिया गया, क्योंकि सीरीज में ये 14 सैटेलाइट है, इसमें दो एक है यहां पर बेसिकली इंस्पायर सेट 1 और दूसरा यहां पर INS-2TD। ठीक है, तो ये दो सैटेलाइट भी यहां पर लॉन्च किए गए जो कि आप लोग समझ सकते हैं। जो यहां पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है उसका जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है वो लगभग 10 साल रहेगा, अर्थ पे क्या क्या चीजें उनको ऑब्जर्व करेगा, और ये पिक्चर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर जो कि SLV PDA के नाम से है, वहां पर जाकर आप लोग देख लेना। ठीक है, इंस्पायर जो है यहां पर ये लगभग 8 किलोग्राम का, इसका टाइम ड्यूरेशन 1 साल रहने वाला है, और INS-2D जो है यहां पर ये लगभग 17 किलोग्राम का, 6 महीने इसका टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है।
तो ये हमारी कंट्री में पहला अभी 2022 में लॉन्च किया गया और किसके हेल्प से लॉन्च किया गया, याद रखिएगा पीएसएलवी सी C52 की हेल्प से यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार प्रीलिम्स में, तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर बात करें इसरो के चेयरमैन फिलहाल कौन है, ये है एस सोमनाथ। पहले चेयरमैन कौन थे वो आप लोगों को बताना है इसरो के बारे में, और इसरो के जो भी प्रोजेक्ट है वो भी मैंने शेयर कर दिए थे एसएलवीपीडिया चैनल पर, जो टेलीग्राम है वहां पर आप लोग जाकर देख लेना, आने वाले जो अभी फिलहाल के जो प्रोजेक्ट है कौन कौन से होने वाले हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर रखी है बहुत सारी टेलीग्राम पर, ठीक है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, कई सारी चीजें मिल जाती है। आगे बात करें चाइनीज F-54 और चाइनीज F हमारे देश में बंद कर दिए गए, तो काफी बड़ी बात है यहाँ पर, अच्छी बात भी लगती है मुझे तो, खासकर अगर बात करें जब चाइना जो है काफी ज्यादा हमारी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है बेसिकली खासकर वो चोरी करता है, तो ये काम किसके द्वारा किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन और जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर ये काम करती है जब भी कोई ऐसे ऐप को बैन करने की बात आती है, ठीक है। अभी सेक्युलरिज्म के मुद्दे पर यहाँ पर बहस छिड़ी है, याद रखिएगा हमारी कंट्री का जो सेक्युलरिज्म है वो एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म माना जाता है, धर्म निरपेक्षता जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है सेक्युलरिज्म के बारे में, खासकर अगर आप लोग बात करें, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड का सेक्युलरिज्म है उसको नेगेटिव बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सेक्युलर वर्ड जो है वो एक तरीके से इस तरीके से यूज करते हैं कि वहां पर गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं करती है एक तरीके से जो रिलीजियस मैटर में, हमारी देश में हज की यात्रा कर ले, ठीक है, सो इसी के साथ में अमरनाथ की यात्रा के बारे में बात कर ले, कावर यात्रा के बारे में बात कर ले, ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कराती है पॉजिटिव, तो हमारी कंट्री का सेक्युलरिज्म पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। सेक्युलर जो वर्ड है वो यहां पर ऐड किया गया था प्रीएम्बल के अंदर में, आप लोगों को यह बताना है कि कब उसको ऐड किया गया था, कौन सा संविधान में संशोधन करके, ठीक है, तो बेसिक यहां पर इसके बारे में बताइए। बाकी ये हो गया कि एक दुर्घटना जो देखने को मिली, मानवता के ऊपर से विश्वास उठता हुआ नजर आया जब ऐसी घटना देखने को मिलती है दिल्ली के अंदर। यहां पर ये एक है होज खास लेक, काफी इंपोर्टेंट यहां पर समझ सकते हैं, खासकर जो वाटर लेवल को मेंटेन रखने के काम करते हैं जो लेक होते हैं यहां पर पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, और ये तो काफी एक मतलब कि यहां पर लगभग 1 से 1.5 साल में रहा हूं यहां पर होज खास के अंदर में, तो यहां पर इसलिए एकदम मुझे याद आ गया, मैंने कहा वो भी एक टाइम हुआ करता था कम नहीं, एक तरीके से गलियां याद आती है, पार्क्स वगैरह बैठा करते थे, रनिंग किया करते थे वहां पर, तो सारी चीजें हैं बेसिकली जब पढ़ाई के ड्यूरेशन में ही जब चीजें चल रही थी, तो ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखते हैं होज खास लेक दिल्ली के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए आज के दिन में अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में आप लोग जाओगे ना, यूरोप में या फिर यूएसए में, वहां पर क्या करते हैं जो एल्यूमिनी होते हैं वहां पर, इनके जो पढ़कर जा चुके हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, कोई कंपनी में सीईओ है, कोई अपना खुद का बिजनेस चला रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो वो डोनेशन करते हैं अपने अपने इंस्टीट्यूट को, तो उससे इंस्टीट्यूशन में काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी आती है। तो अभी यहां पर लार्जेस्ट डोनेशन देखने को मिला आईएससी बेंगलोर को, ठीक है, ऐसा नहीं वही और भी कर सकते हैं, तो 425 करोड़ रुपए यहां पर डोनेशन मिला। तो बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में मेडिकल स्कूल और लगभग 800 बेड का जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कैंपस जो है वो खोलने की बात की जा रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में, क्योंकि हाई क्वालिटी की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। चाइना है जो बेसिकली अटैक कर रहा है, बोला है कि इंडिया है जो है सही ये काम नहीं कर रहा है इस तरीके से हमारे खिलाफ बातें बोलकर, क्योंकि जयशंकर साहब के द्वारा बोला गया था चाइना के खिलाफ कि चाइना जो है बॉर्डर के जो एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसी के ऊपर यहां पर इनके जो फॉरन स्पोक पर्सन है उनका ये रिप्लाई है, बोला कि डू नॉट मेक इनरेस्पॉन्सिबल रिमार्क, ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से कमेंट किया गया चाइना के द्वारा, तो देखते हैं क्या चीजें चलती हैं। बाकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में बात करें तो यहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट के चलते ये काफी ज्यादा न्यूज में और कई बार डिस्कस भी कर चुका हूं, थोड़ा सा और बता देता हूं यहां पर। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी आर्टिकल 15 और 16 के तहत, और संविधान में संशोधन किया गया था 103वां, ठीक है, तो याद रखिएगा 103rd अमेंडमेंट यहां पर निकल कर आया, 10% रिजर्वेशन देना है। ये यहां पर एक और आर्टिकल याद रखते हैं आर्टिकल 145, ये यहां पर बेसिकली अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहां पर बनानी है तो ये पावर रहती है किसके हाथ में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में, और इसी के साथ में आर्टिकल 143 यहां पर जो ये प्रेसिडेंट जो है वो यहां पर डिस्कस कर सकते हैं कोई भी बात यहां पर बेसिकली किससे, सुप्रीम कोर्ट से। तो ये कई सारे आर्टिकल न्यूज में रहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। रसिया और बेसिकली यहां पर उसका क्राइसिस जो है उसको ध्यान में रखते हुए कई सारी बातें चल रही है, तो यहां पर अलग अलग लीडर यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहां पर अगर बात करें तो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बातें कर रहे हैं किस तरह की चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं, तो कई सारे मुद्दे यहां पर है अभी रशिया को लेकर, यूक्रेन को लेकर, फिर इश्यू आएगा फिर डिस्कस करेंगे। अभी यहां पर ये मुद्दा बना हुआ है कि यूक्रेन के ऊपर रशिया क्या अटैक करने वाला है उसको लेकर, कनाडा और यहां पर जो यूएसए के बॉर्डर को बैन कर दिया गया था उनको रीओपन किया जा रहा है, और बहुत सारे जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, इवन कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अपनी लोकेशन छोड़कर भागना पड़ गया था उनको, क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा बेसिकली प्रोटेस्ट हो गया था और लग रहा था कि यहां पर दिक्कत आने वाली है देश के अंदर में, तो ऐसे ऐसे इश्यू भी देखने को मिलते हैं। बाकी बात करें यहां पर बात की जा रही है ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, अभी इसको फिर से रिवाइव करने की बात की जा रही है। ईरान ये कह रहा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब वेस्ट देख ले उसको रिवाइव करना है नहीं करना है।
ये डील बराक ओबामा जी के साथ टाइम पर यहां पर साइन की गई थी और फिलहाल जो यहां पर जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब आए उन्होंने इस डील को कैंसिल कर दिया। तो यहां पर अच्छा खासा यार आना था इन दोनों के बीच में, पर लेकिन यहां पर ये निकल गए बाहर डोनाल्ड ट्रंप। अब यहां पर जो जो बाइडन साहब हैं क्या वो इस डील को आगे लेकर चलना चाहेंगे और ये पर्सनैलिटी कौन है? फिलहाल जो ईरान के प्रेसिडेंट है उस टाइम पर हसन रूहानी साहब थे, अब यहां पर ये ईरान के प्रेसिडेंट है। तो यहां पर बात ये की जा रही है कि दोनों मिलकर अब डील को आगे लेकर चलने की कोशिश करें, पर लेकिन एग्जैक्ट सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन होने वाला है। रशिया और यूक्रेन के मुद्दे के चलते यहां पर जो सेंसस है वो घट रहा है, ये बातें की जा रही है। और इन्फ्लेशन के बारे में आप लोगों को बताया गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आज का सुडोकू है जो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, काफी अच्छे से अटेम्प्ट करिए, काफी कुछ आप लोगों को एक माइंड में स्टेबिलिटी भी नजर आएगी। ओके, आज के एसएलवी कमांडो है यहां पर संजू और इसी के साथ में हिमांशी, ठीक है। तो यहां पर काफी अच्छे से इनके द्वारा आंसर दिए गए यहां पर। तो यहां पर आप लोग पार्टिसिपेट किया करो, अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हो। और नॉर्मली मैं देख रहा हूं यार लड़कियां बहुत सारी आंसर देती हैं, लड़के काफी कम आंसर दे रहे हैं। मैंने इसे आंसर को एनालाइज किया, जो टॉप आंसर होते हैं जो डिटेल में ढंग से पूरे अच्छे से आंसर दिया जाता है उसमें लड़कों की संख्या काफी कम रहती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या मैं कोई रीजन जान सकता हूं? आप लोगों को सिलेक्शन की कम जरूरत है, लड़कियों को ज्यादा जरूरत है क्या, या फिर मतलब क्या चल रहा है, मतलब बताइए मुझे, या फिर आप लोग कॉपी में लिख लेते हैं, मतलब आप लोग पोस्ट नहीं करते हैं, क्या है वो रीजन जिसकी वजह से मैं ढूंढता रहता हूं कि कोई लड़के का ढंग का पूरा डिटेल में आंसर मिल जाए। एक दो को छोड़कर यहां पर एक भगत सिंह है और एक दो बंदा और है जो कि अच्छे आंसर देता है डिटेल में, बाकी लड़कों में मतलब बहुत ही कम मतलब फेस मुझे देखने को मिलते हैं। यार ऐसा मत करो, सबको पार्टिसिपेट करना है, सबके लिए ऐसा थोड़ा ना कि मतलब एक आप लोग क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते हो, रीजन तो दो मुझे कि हम मुझे सेटिस्फेक्शन मिल सके कि आप लोग इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता यार, पार्टिसिपेट करो, ठीक है। तो यहां पर क्वाड के बारे में मैंने बोला था, एक क्वाड तो आप लोग जानते हो जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए। एक नया क्वाड अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिला था जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये यहां पर काफी इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें आईपीएल के बारे में, मैंने पूछा था आप लोगों से क्या क्या चल रहा है आईपीएल के बारे में, तो यहां पर 15th सेशन अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाईएस्ट जो यहां पर रन बनाए गए थे विराट कोहली के द्वारा, हाईएस्ट विकेट ले गए लसित मलिंगा के द्वारा, और हाईएस्ट विनर जो टीम है वो है मुंबई इंडियंस। तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखते हैं। रामसर साइट के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल टोटल मिलाकर 49 रामसर साइट हो गई है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी जो नई जो साइट ऐड की गई यहां पर, एक गुजरात में और एक यूपी में ऐड की गई यहां पर, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। 2 फरवरी को यहां पर सेलिब्रेट करते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर डे, ठीक है। उस डे का नाम आप लोगों को बताया था मैंने, ठीक है, तो भूलना नहीं है, देखिए, जिसको वर्ल्ड वेटलैंड डे बोलते हैं, ठीक है। अभी अगर बात करें यहां पर ईरान के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको बोलते हैं रामसर, तो 1971 में वहां पर बेसिकली एक कन्वेंशन साइन किया गया जिसके बेस पर यहां पर रामसर साइट हम लोग देखते हैं, ठीक है। और अब की बार की जो थीम थी ये थी बेसिकली, आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि हमारी कंट्री में दो ऐसी लोकेशन है जिनको अभी फिलहाल इसमें ऐड किया गया है, तो वेटलैंड्स एक्शन फॉर द पीपल एंड द नेचर, ठीक है। तो ये अब की बार की थीम थी यहां पर, तो काफी अच्छे से आंसर दिए गए, तो अच्छे से पार्टिसिपेट करो यार, अच्छा लगता है, क्यों ऐसा कर रहे हो बताओ तो सही मुझे, मतलब मैं कुछ और कर रहा हूं या फिर आप मतलब क्या चल रहा है बताइए सही। और बहुत मतलब जो स्टार्टिंग में खासकर जो वीडियो आती है सुबह 6:30 बजे, बहुत सारे बच्चे उठ भी जाते हैं, तो फिर आंसर क्यों नहीं देते, आंसर दिया करो ना। और कई सारे बच्चे रेगुलर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, उनके भी आंसर दो, एक काफी अच्छा माहौल मिला हुआ यार पढ़ने का, उसको अच्छे से यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, अच्छे से यूटिलाइज करो उसको। नोर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में आप लोगों से बात की थी, कहां पर है, बाल्टिक सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, या फिर ये है बेसिकली मेडिटेरेनियन सी, तो इसके बारे में बात करते हैं। इसका आंसर है ए, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बाल्टिक सी के अंदर में। ये बेसिकली रशिया को कनेक्ट कर रही है किसके साथ में, जर्मनी के साथ में, गैस पाइपलाइन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये जो गैस पाइपलाइन है यहां पर, ये अभी नोर्ड स्ट्रीम 1 है जो यहां पर आप लोगों को ये वाली देखने को मिल रही है, और जो ये अभी पॉइंट पॉइंट वाली चल रही है नोर्ड स्ट्रीम 2 है जिसके ऊपर संका के बादल मंडरा रहे हैं बेसिकली अमेरिका की वजह से, ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गई है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको लेकर कई सारे इश्यू भी अभी चल रहे हैं जो मैंने आर्टिकल भी आप लोगों से डिस्कस किए थे, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है बेसिकली किसके बारे में, यह रिक्यू आइलैंड के बारे में। तो ये कहां पर लोकेटेड है अगर बात करें यहां पर, तो पैसिफिक ओशन के अंदर लोकेटेड है, पर लेकिन किसका आइलैंड है यहां पर, ये चाइना, जापान, या फिर यहां पर साउथ कोरिया, फिर फिलीपीन। तो ये आप लोगों से काफी ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके के पूछ ले आते हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये जो है बी, यानी कि ये किसका है आइलैंड, तो ये है बेसिकली किसका, जापान का आइलैंड, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ भी आप लोग देखते हैं, यहां पर ये जापान का आइलैंड आप लोग को देखने को मिलेगा, ताइवान के जस्ट बगल में आप लोग यहां पर देखते हैं, और फिलीपीन सी में आप लोग इसको बोल सकते हैं। अभी तो जैसे इसके द्वारा यहां पर क्या बोल दिया गया कि ये कहां पर है, ये पैसिफिक ओशन पे है, ठीक है, पर लेकिन यहां पर ये भी लिख सकता है कि यहां पर फिलीपीन सी में है, इस तरीके से बोला सकता है, ठीक है। इधर साउथ चाइना सी हो गया यहां पर, और यहां पर हो गया ताइवान, जिसको लेकर चाइना जो है इसको बेसिकली ना कि गर्मी चढ़ी रहती है कि कोई नहीं बोलेगा कि हाँ ये मेरा पोर्शन है, ये मेरा पोर्शन है,
तो वाली बात है वन चाइना पॉलिसी, तो वो सब इशू आप लोग समझा करो, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। ताइवान की जो कैपिटल है ताइपेई है। अच्छा चाइना की कैपिटल आप लोगों को पता है, चाइना की कैपिटल कई सारे लोग भूल जाते हैं, कुछ और बता देते हैं बताइए क्या, चलिए देखता हूं कौन किस किस को याद है, ठीक है। और इवन चाइना के प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछ लिया गया था, शायद एनडीए में सीरीज में किसी में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने डिस्कस भी किया था। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है, आज के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, जरा बताइए, पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ओके, लगता है आप लोगों को नहीं बनेंगे पर बन जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, फिर आप लोग बोलते हैं यार ये कैसे छूट गया, तो इसलिए कभी नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन के बारे में बात की थी, तो इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, तो ट्रेन जो है बेसिकली ट्रेन 18 के नाम से पहले यहाँ पर इसको डब किया गया, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री यहाँ पर कोलकाता के अंदर बोला गया, ठीक है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत काम किया जा रहा है, और यहाँ पर ये बेसिकली इंडिजिनियसली हमारे द्वारा डेवलप की गई है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, सही आंसर इसका सी, यानी कि 1 और 3 यहाँ पर सही है। क्यों 1 और 3 सही है यहाँ पर, वो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री यहाँ पर चेन्नई के अंदर, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया स्टेटमेंट में, यहाँ पर कोलकाता, तो कोलकाता नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पर। छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से इस तरीके से बन जाएंगे, तो कंफ्यूजन आप लोगों को होगा, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। और आज के जो क्वेश्चन पूछे गए, चलिए उनके भी आंसर बता देता हूं, अगर आप लोगों को ऐसा अच्छा लग रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे, आप लोग अच्छे से उसको एंजॉय कीजिए। जैसे यहां पर बात की फॉकलैंड आइलैंड के बारे में, ठीक है, तो फॉकलैंड जो यहां पर बेसिकली आइलैंड है, ये आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा अर्जेंटीना के पास में, एग्जैक्ट लोकेशन है यहां पर अर्जेंटीना के पास में, और ये यूके का आइलैंड है यहां पर लेकिन अर्जेंटीना के पास में देखने को मिलेगा। यहां पर यूके की रॉयल फोर्स भी रहती है, और एक टाइम ऐसा था यहां पर यूके के द्वारा बेसिकली यूके के द्वारा रेफरेंडम यहां पर कराया गया, जब बोला गया कि ये तो आज के में अर्जेंटीना के साथ मिलना चाहते हैं, तो रेफरेंडम कराने के बाद भी यहां पर बात पता चली कि ये बेसिकली यूके के साथ में ही रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जेंटीना काफी गरीब कंट्री है, और आप लोगों को पता है गरीब इंसान के साथ में कोई रहना पसंद नहीं करता है, हर एक इंसान चाहता है अमीर के साथ में अपने रिलेशन दिखाए, ताकतवर इंसान के साथ में अपने रिलेशन दिखाए, वही हरकत है आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में बन जाए तो ये मत बोलना कहां से क्वेश्चन आ गया भाई साहब, बड़ी आसानी से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट बात की जा रही है चंद्रयान 2 के बारे में, तो इससे आंसर क्या है यहाँ पर, इसका आंसर हो गया बी, मतलब क्या है यहाँ पर बी का, यानी कि 1, 2 और 3 आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 1 में यहाँ पर जो PSLV मार्क 3 बोला गया है, ये बेसिकली गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा, GSLV है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मैक 3, ठीक है, तो जिसको बाहुबली का भी नाम यहाँ पर दिया गया था, और विक्रम जो था वो था यहाँ पर लैंडर का नाम, ठीक है, इसी के साथ में प्रज्ञान है यहाँ पर, ये है रोवर का नाम, ठीक है। इसके ऊपर एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी, बड़ी ही प्यारी सी वीडियो है एनिमेशन के साथ में, मैंने अभी 2 दिन पहले अपलोड की थी। देखिए मैंने 2 वीडियो अभी अपलोड की है एनिमेशन के साथ में, अगर आप लोगों ने देखी हो, ये वाली वीडियो थी, अगर आप लोगों ने शायद देखी होगी, यहाँ पर एनिमेशन के साथ में थी, यहाँ पर चंद्रयान मिशन के बारे में, इसको देखिएगा, बड़ी ही प्यारी वीडियो है, आप लोग देख के कई सारी चीजें समझ भी पाओगे और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, देखिएगा इसको आप लोग काफी अच्छे से इसको एंजॉय करोगे। और इसी के साथ में एक वीडियो मैंने और अपलोड की है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक ये वाली वीडियो है यहाँ पर, बेसिकली ओशन के बारे में, यहाँ पर टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, तो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन नहीं जाता है क्या, क्योंकि नॉर्मली हिंदू की वीडियो तो आराम से काफी सारे लोग देखते हैं, और एक्स्ट्रा जो वीडियो डालता हूँ उसको मतलब आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन नहीं जाता है, फिर आप लोगों को पसंद नहीं आती है, मतलब क्या रीजन रहता है आप लोग बताओ जरा, मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि बहुत कम बच्चों के द्वारा देखी गई, पहले वाली वीडियो भी लगभग मुझे लग रहा है कि 10,000 के करीब लोगों ने देखी है, और ये तो अभी देखो इसको देख ही रहे हैं, मतलब कि बहुत ही एक रेस्पॉन्स बड़ा डल सा रहता है, जबकि मेहनत इसमें काफी लगती है, आप लोग वीडियो को खोल के देखना एक बार, तो आप लोग बताओ कि मतलब ऐसी वीडियो डालू कि ना डालू, क्योंकि फिर कहीं और अपनी एनर्जी को यूज किया जाए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इस तरीके से, अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है चीजें तो फिर उसके हिसाब से चीजों को किया जाएगा, ठीक है, तो आप लोग बताते रहा करो जिससे मुझे पता चलता रहे चीजों के बारे में। तो ये 2 वीडियो मैंने अभी अपलोड किए जिसके बारे में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर ईस्ट एशिया समिट के बारे में, तो इसका आंसर है सी आप लोगों के सामने यहां पर, ठीक है, तो सी है यहां पर आप लोगों के सामने आंसर। सी का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब 1 और 3 से यहाँ पर, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो बेसिकली ये सेकंड गलत है, क्योंकि ओनली बोल दिया गया ओनली एशिया, तो ओनली एशिया का मतलब ही नहीं यहाँ पर कि मेंबर ओनली एशिया के देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप लोग देखते हैं यहाँ पर इसके अंदर आप लोगों अगर बात करें रशिया भी हो गया, यूएसए भी हो गया, यूएसए तो है नहीं यहाँ पर ओनली एशिया का, ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं और भी कई सारी कंट्री इस तरीके से। तो यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं ईस्ट एशिया समिट जो है 2005 में स्टार्ट की गई थी, और ये जो समिट है इसके अंदर टोटल 18 मेंबर है, आसियान के 10 मेंबर हो गए, जैसे यहाँ पर ब्रुनेई, कंबोडिया, ये सारे इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, और बाकी 8 मेंबर और हैं जिसमें इंडिया भी पार्ट है। यहाँ पर 8 में कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया और यूएसए, ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर बता दिए, 3 कल के और 3 आज के, अब से मैं आप लोगों को डेली आज के दिन ही आंसर बता दिया करूंगा, इससे आप लोगों को पता भी चल जाया करेगा और कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा सही लग रहा है तो ऐसे ही कर लेते हैं, टेंशन मत लिया करो, बता दिया करो। आइए कुछ नए शब्द आप लोगों की वोकैबुलरी में ऐड करता हूं, और यहाँ पर इसके ऊपर कई सारे बच्चे जो हैं वो सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, अच्छा लगता है, कोशिश किया करो सेंटेंस फॉर्म करने की, आप लोगों को लंबे समय तक याद रखने में इनको हेल्प मिलेगी, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि डेली 5 शब्द आए और चले गए, कोशिश तो करो उनको रिकॉल करने की, इतने दिन से याद करवा रहा हूं आप लोगों को कितने शब्द आप लोगों को याद है, ठीक है। तो कम से कम इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया करो। तो बात की जाए यहाँ पर जैबलिंग, इसका मतलब जैबिंग के बारे में, इसका मतलब प्रहार करना, ठीक है। क्विक स्पेशली समथिंग शार्प और पॉइंटेड एक तरीके से चीजों को, इस तरीके से प्रहार किसी ऐसी चीज से करना, ठीक है। तो ये है बेसिकली जैबिंग बोलते हैं इसको। ट्रेमेंडिस एक तरीके से अद्भुत, यानी कि काफी बड़ा रेस्पॉन्स, नहीं कहते कई बार मैं बोलता हूँ वाओ यार आज तो मॉर्निंग में ट्रेमेंडिस एक रेस्पॉन्स आया, इतने सारे बच्चे मॉर्निंग में उठ गए, तो वाली बात हो जाती है बेसिकली, ठीक है। तो इसको आप लोग देखते हैं। एक यहाँ पर एम्पेरिकल, इसका मतलब है अनुभव एक तरीके से, ठीक है। तो चीजों को ऑब्जर्व करना है यहाँ पर एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर बाय द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस रेदर देन थ्योरी, यानी कि एक तरीके से चीजों को अपने अनुभव के तौर पर चीजों को फील करना आप लोग बोल सकते हैं। रीइंस्टेट होता है बेसिकली पुनः स्थापित करना, चीजों को रिस्टोर करना बोलते नहीं है, कोई चीज हट गई फिर से रिस्टोर कर दो, उसकी पोजीशन में बना दो, यथा स्थिति बना दो, वो वाली बातें हैं। कॉर्नरस्टोन मतलब आधारशिला, आप लोगों ने सुना होगा, काफी एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी या फीचर जो कि एक पर्टिकुलर थिंग के जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे बोले कि घर में जो फादर है यानी कि जो माता और पिता होते हैं वो कॉर्नर स्टोन होते हैं, उनके ऊपर पूरा घर टिका होता है, वो सबको जोड़े रखते हैं, तो इस तरीके से इसको कॉर्नर स्टोन बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग सेंटेंस फॉर्म जरूर किया कीजिए, अच्छा लगता है जब आप लोग सेंटेंस फॉर्म करते हैं, तो इससे मुझे भी पता चलता है कि हाँ किस तरीके से आप लोग अलग अलग सोच सकते हो, क्योंकि एक ही वोकैबुलरी के कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं उसको यूज कर कर। तो इससे अगर आप लोग अलग अलग सेंटेंस फॉर्म करोगे तो इतने सेंटेंस बन जाएंगे, सोचो तो सही कि एक बच्चा अलग सेंटेंस फॉर्म करे दूसरा अलग, तो एक दूसरे सीखने को मिलेगा आप लोगों को। पार्टिसिपेट करो यार, पार्टिसिपेट करने में मजा ही कुछ होता है, मेरा पढ़ाने में मजा आएगा और आप लोगों का पढ़ने में मजा आएगा, इससे काफी अच्छा लगता है, कम से कम जो चीजें पूछता हूं उनके आंसर दिया करो, ठीक है। तो आज का ये डिस्कशन था, फीडबैक जरूर देना, वीडियो को थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं अगर अच्छी लग रही है, अगर बुरी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोग इसको 10 में से कितना बेसिकली मार्क्स दोगे। इसी के साथ में आपका दिन कैसा रहा, उसको कैसे लेकर चलना है, कल का कैसा रहा, आज का कैसे लेकर चलना है, वो जरूर लिखा करो, और वीडियो खत्म होने के बाद में आंख बंद कर एक बार रिकॉल कर लिया करो, ताकि चीजें जो है वो लंबे समय तक आप लोग याद रख सको। ये छोटी सी बातें अगर आप लोग जिंदगी में लाइफ का पार्ट बना लोगे तो काफी अच्छे से आप लोग अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलते हुए नजर आओगे। और दो वीडियो है इनको अच्छे से आप लोग एंजॉय कीजिए, सारी चीजें आप लोगों के हिसाब से आप लोगों को चलती हुई नजर आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।